मैं डॉक्टर अभयराज जाधव। मैं आज आपको आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, उसके लक्षण क्या है, उसके कॉजेस क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो व्हाट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? इरिटेबल मतलब इरिटेबिलिटी, मतलब इरिटेट, बॉवल इरिटेट्स, मतलब बॉवल का कंट्रोल थोड़ा सा डिस्टर्ब होना, मतलब कभी जुलाब होना, कभी कॉन्स्टिपेशन होना, इसे इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम होते हैं। तो ये इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम इज वेरी कॉमन इन इंडिया। इन न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन, जो लोग बहुत बाहर का खाना खाता है, जंक फूड, चाइनीज़ फूड, पिज्ज़ा, बर्गर्स, इसके वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर आईबीएस? आईबीएस के लिए कॉजेस क्या है? आईबीएस के लिए कॉजेस, मेन कॉजेस ये बाहर का खाना, अल्कोहल ड्रिंक, स्मोकिंग, ज़्यादा बाहर का खाना, मतलब ये सब जो आर्टिफिशियल फूड, आर्टिफिशियल कलर्स या ये यूज करते हैं फूड में, उसके वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। ये उसके वजह से बाउल सेंसिटिव हो गए, ये बाहर का खाने में जो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जो केमिकल्स, जो पेस्टिसाइड, मतलब जो कलर्स यूज करते हैं, उसके वजह से बाउल सेंसिटिव हो गए और ये प्रॉब्लम आजकल दिख रहा है। तो भारत में ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। तो उसके मेन रीज़न तो बाहर का खाना, अल्कोहल, जंक फूड और स्मोकिंग, खाना टाइम पे खाना नहीं खाना, एक्सरसाइज कम है, काम ऑफिस वर्क ज़्यादा है, बैठे काम ज़्यादा है, उसके वजह से प्रॉब्लम अभी ज़्यादा दिख रहा है। तो उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण, मेन लक्षण क्या है? पेट में दर्द होना, बार बार टॉयलेट को जाना पड़ता है, बार बार जुलाब होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी पेट साफ नहीं होता है, मतलब कभी जुलाब होना, कभी पेट साफ नहीं होना, ये अल्टरनेटिव होता है, वो क्रॉनिक प्रॉब्लम रहता है। तो मेन लक्षण यही है। और पेट में दर्द होना है, दर्द होने के बाद टॉयलेट के जाना पड़ता है, पतला मल होता है, खाना खाने के बाद टॉयलेट को जाना पड़ता है, ये सब इरिटेबल बाउल के लक्षण है। तो आजकल जो आईबीएस का प्रॉब्लम जो बढ़ गया है, ये जंक फूड के अलावा अदर कॉजेस क्या है? तो मेन रीज़न इसके अलावा स्ट्रेस और प्रेशर, टेंशन, इसके वजह से भी आईबीएस का प्रॉब्लम इंडिया में ज़्यादा दिख रहा है। टेंशन की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके लिए होम्योपैथिक में अच्छी दवा उपलब्ध है, तो मैं उसके लिए दो दवा बताने जा रहा हूँ। तो पहली दवा है नक्सोमिका 200। ये बहुत अच्छी दवा है नक्सोमिका 200। आप दो बूंद सुबह और दो बूंद रात को ले सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा फर्क, अच्छा फर्क पड़ेगा। नक्सोमिका 200 जो लोग ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं और ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं, उनके लिए ये बहुत, ये ड्रग, ये होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छी कार्य करती है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ टेक दिस नक्सोमिका every morning and in the night, 2 drops only. तो अदर दवा कौन सी है? अदर कोलोसिंथ है, ये पेट के दर्द के लिए अच्छी दवा है। सो लॉट ऑफ मेडिसिन आर अवेलेबल। तो दूसरा मेडिसिन है पोडोफाइलम। जो लोग को ज़्यादा जुलाब होते हैं, बार बार जुलाब होना, कभी कॉन्स्टिपेशन होना, कभी पेट साफ नहीं होना, उसके लिए पोडोफाइलम इज वेरी इम्पॉर्टेंट है। पोडोफाइलम 30 लीजिए सुबह 2 ड्रॉप्स और शाम को 2 ड्रॉप्स।
पोडोफोडियम के अदर लक्षण क्या है, बहुत गंदा बास आता है और बार बार जुलाब होते हैं, इसके लिए पोडोफोडियम बहुत अच्छी ड्रग है। सो आज के लिए ये बहुत होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप किसी भी डॉक्टर से ले सकते हैं, किसी भी होम्योपैथिक कंसल्ट से डॉक्टर से ले सकते हैं। तो होम्योपैथी आईबीएस के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है, तो प्लीज़ टेक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड बी हेल्दी।